वो चारों उस वक्त लाहौर के रेड लाइट एरिया में मौजूद थे। उनकी उम्रें 18-19 साल के लगभग थीं और अपने हुलिये से वो चारों अपर क्लास के लगते थे, मगर वहां पर ना उनकी उम्र नुमाया कर देने वाली कोई चीज थी और ना ही उनके अपर क्लास से ताल्लुक रखने की इम्तियाजी खसूसियत, क्योंकि वहां पर उनमें से भी कम उम्र लड़के आते थे और अपर क्लास इस इलाके के मुस्तकिल कस्टमर्स में शामिल थी। चारों लड़के रेड लाइट एरिया की टूटी गलियों से गुजरते जा रहे थे। तीन लड़के आपस में बातें कर रहे थे जबकि सिर्फ चौथा कदर तजस्सुस और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो पहली बार वहां आया था और इन तीनों के साथ थोड़ी देर बाद होने वाली उस गुफ्तगू से ये जाहिर हो गया था कि वो वाकई वहां पहली बार आया था। गली के दोनों अतराफ में खुले दरवाजों में बनाव सिंघार किए नीम उरिया कपड़ों में मलबूस हर उम्र और हर शक्ल की औरत खड़ी थी। सफेद, सांवली, सिया, गंदुमी, बहुत खूबसूरत, दरमियानी और मामूली शक्ल सूरत वाली। गली में हर शक्ल और उम्र का मर्द गुजर रहा था। वो लड़का वहां से गुजरते हुए हर चीज पर गौर कर रहा था। तुम यहाँ कितनी बार आए हो? चलते चलते उस लड़के ने अचानक अपने दाएं तरफ चलने वाले लड़के को मुखातिब करते हुए कहा। वो लड़का जवाबन हंसा, कितनी बार ये तो पता नहीं, अब तो गिनती भूल चुका हूँ, अक्सर आता हूँ यहाँ पर, उस लड़के ने कदरे फकरिया अंदाज में कहा। इन औरतों में मुझे कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होती, नथिंग स्पेशल अबाउट देम, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर कहीं रात ही गुजारनी हो तो कम अज कम माहौल तो अच्छा हो, ये तो बहुत गंदी जगह है, उसने गली में मौजूद घड़ों और कूड़े के ढेरों को देखते हुए कुछ नागवारी से कहा। फिर गर्लफ्रेंड्स के होते हुए यहाँ आने की क्या जरूरत है, उसने इस बार अपनी भवें उचकाते हुए कहा। इस जगह का अपना एक चार्म है, गर्लफ्रेंड्स और यहाँ की औरतों का कोई मुकाबला नहीं है। गर्लफ्रेंड्स इस तरह के डांस तो नहीं दिखा सकती जो अभी कुछ देर बाद तुम देखोगे, तीसरा लड़का हंसा। और फिर पाकिस्तान की जिस बड़ी एक्ट्रेस का डांस दिखाने हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो तो बस, दूसरे लड़के की बात को पहले लड़के ने काट दिया। उसका डांस तो तुम पहले भी देख चुके हो। अरे वो कुछ भी नहीं था, भाई की शादी पर एक मुजरा किया था, मगर यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती है। वो एक्ट्रेस तो एक पोश इलाके में रहती है, फिर यहाँ क्यों आती है, पहले लड़के ने कुछ गैर मुतमईन अंदाज में पूछा। ये तुम आज खुद उससे पूछ लेना, मैं कभी उससे इस तरह के सवाल नहीं करता, दूसरे लड़के की बात पर दोनों लड़के हंसे, मगर तीसरा उसी तरह चुपती हुई नजरों से उसे देखता रहा। उनका सफर बिलाखिर गली के आखिर में एक इमारत के सामने खत्म हो गया। इमारत के नीचे मौजूद दुकान से तीनों लड़कों ने मोती के बहुत से हार खरीदे और अपनी कलाइयों में लपेट लिए। एक हार दूसरे लड़के ने उस लड़के की कलाई में भी लपेट दिया जो वहां आने पर एतराज कर रहा था। फिर उन लोगों ने वहां से पान खरीदे, तंबाकू वाला पान, दूसरे लड़के ने उस लड़के को भी दिया जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गांव तकिए और चांदनियां बिछी हुई थी और बारीक पर्दे लहरा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे, रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। एक औरत लपकती उनकी तरफ आई, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मसनूई मुस्कुराहट सजी थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातिब किया। पहले लड़के ने गौर से उस औरत को देखा। अधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गजरे लटकाए शैफून की एक चिंघाड़ती हुई सुर्ख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना भी नहीं गया था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहां उसने उन्हें बिठा दिया। पहले लड़के ने बैठते ही मुंह में मौजूद पान उस उगालदान में थूक दिया जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुंह में होते हुए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी उसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के बैठकर मध्यम आवाज में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का उस हॉल के चारों तरफ मौजूद गांव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियां रखे बैठे थे। उनमें से अक्सरियत सफेद लट्ठे के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस थी। उसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह सिया जीन्स और उसी रंग के आधे बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस था। उनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहां उन्हीं की तरह जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक औरत उसी तरह चीखते चिंघाड़ते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहां आकर हॉल के दरमियान बैठकर एक गजल सुनाने लगी थी। उसके साथ कुछ साजिंदे भी थे। दो गजलें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुश और मुतमिन वापस चली गई
और उसके जाने के फौरन बाद ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हॉल में दाखिल हुई और हॉल में मौजूद हर मर्द की नजर उससे जैसे चिपक कर रह गई थी। उसने हॉल में बारी बारी चारों की तरफ घूम कर हर एक को सर के इशारे से खुशामदीद कहा था। साजिंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। कैसेट प्लेयर पर बारी बारी चंद हिचान अंगेज गाने लगाए गए थे जिन पर उस औरत ने अपना रक्स पेश करना शुरू किया था और कुछ देर पहले की खामोशी यकदम खत्म हो गई। चारों तरफ मौजूद मर्द उस औरत को दादो तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ थे। उनमें से कुछ जो ज्यादा जोश में आ रहे थे वो उठकर उस एक्ट्रेस के साथ डांस करने में मसरूफ हो जाते। हॉल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासुर चेहरे के साथ बैठा था वो वही लड़का था, मगर उसके बावजूद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उस एक्ट्रेस के रक्स से खासा महसूस हो रहा था। तकरीबन दो घंटे बाद जब उस एक्ट्रेस ने अपना रक्स खत्म किया तो वहां मौजूद आधे से ज्यादा मर्द इतने गफील हो चुके थे। वापस घर जाना उनके लिए मसला इसलिए नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहां रात गुजारने आए थे। उन चारों ने भी रात वहां गुजारी। अगले दिन वहां से वापसी पर गाड़ी में उस दूसरे लड़के ने जमाई लेते हुए पहले लड़के से पूछा जो उस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ था। कैसा रहा तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस अच्छा था और कुछ नहीं। तुम भी बस, उसने कदर नाराजगी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ, मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड इस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, उस लड़के ने दो टोक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए वो सब आपस में खुश गप्पियों में भी मसरूफ थे। मौजूए गुफ्तगु उस वक्त इमामा थी जो इस वीकेंड पर भी इस्लामाबाद में मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि इमामा दिन ब दिन संजीदा से संजीदा होती जा रही है? वसीम ने कदरे छेड़ने वाले अंदाज में इमामा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये तो मैं भी पिछले माह से नोट कर रहा हूँ, हाशिम मुबीन ने वसीम की बात पर बेटी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इमामा ने चावलों का चमचा मुंह में रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों इमामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज की वजह से मसरूफ और संजीदा हूँ, अब हर कोई वसीम की तरह निकम्मा तो नहीं होता, उसने अपने साथ बैठे वसीम के कंधे पर कुछ नाराजी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा। बाबा, आप जरा अंदाजा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में इसका ये हाल है तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब इसका क्या हाल होगा? वसीम ने इमामा की तंबीह की परवाह ना करते हुए उसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाया करेंगे, मिस इमामा हाशिम को मुस्कुराए हुए। डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन दोनों के दरमियान नोक झोंक हमेशा ही रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब वो दोनों इकट्ठे हों और उनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने वाले इन झगड़ों के बावजूद इमामा की सबसे ज्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ ही थी। उसकी वजह शायद उनकी ऊपर तले की पैदाइश भी थी। और आप तसव्वुर करें, इस बार इमामा ने अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। उसने उसके कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। वसीम पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शिफा के सिवा और क्या क्या हो सकता है? आप इसका मुजाहरा देख रहे हैं, इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल के डॉक्टर्स वार्ड्स में मरीजों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुल्क में बढ़ती शराय अमवाद की एक वजह। बाबा, इसको मना करें, इमामा ने बिलाखिर हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट को जब्त करते हुए वसीम को झिड़का। वो बड़ी सादतमंदी से फौरन खामोश हो गया। उसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर उसे बंद करके चला दिया। खान सामा उसी वक्त अंदर आया। छोटे साहब, लाए, मैं आपकी मदद करूं, वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद कर लेता हूं, तुम मुझे दूध का एक गिलास दे दो, उसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खान सामा एक गिलास में दूध लेकर उसके पास चलाया। दूध के आधे गिलास में उसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचे से अच्छी तरह हिलाने लगा। फिर एक ही सांस में वो दूध पी गया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने, उसने खानसामा से पूछा। खानसामा ने कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर कुछ नागवारी उभरी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को वो फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था। उसकी शेप बढ़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थी। शर्ट के चंद एक के सिवा सारे बटन ही खुले हुए थे। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजे को लॉक कर लिया और वहां मौजूद जहाजी साइज के म्यूजिक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोल्टन का व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन बुलंद आवाज में बजने लगा। वो रिमोट लेकर अपने बेड में आ गया
और औंधे मुंह बेतरतीबी के आलम में लेट गया। उसका रिमोट वाला बायां हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हिल रहा था। उसके दोनों पांव भी म्यूजिक के साथ गर्दिश में थे। कमरे में बेड और उसके अपने हुलिये के अलावा हर चीज अपनी जगह पर थी। कहीं पर कुछ भी बेतरतीब नहीं था, कहीं पर गर्द का एक जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक सिस्टम के पास मौजूद दीवारी शेल्फ में तमाम ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई थी। एक दूसरी दीवार में मौजूद रैक्स पर किताबों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कोने में पड़ी कंप्यूटर टेबल से आया था कि इसे इस्तेमाल करने वाला बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। कमरे की मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस और वहां के बैंड्स के पोस्टर्स लगे थे। बाथरूम के दरवाजे और कमरे की खिड़कियों के शेप्स को प्ले बॉय मैगजीन से काटी गई कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था। कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाजा खोलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरें चंद लम्हों के लिए देखने वालों को तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नजर आती थीं। उन तस्वीरों को वहां लगाते हुए तरतीब का खास ख्याल रखा गया था। म्यूजिक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था उसी दीवार के एक कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और उसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड पर रखा हुआ था। दीवार पर गिटार से कुछ फासले पर पिक्कोलो, फ्लूट और ऑब्वे भी लटकाए गए थे। इस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूजिक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार में मौजूद कैबिनेट में टीवी मौजूद था और उसी कैबिनेट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज और शील्ड्स पड़ी हुई थीं। कमरे का चौथा कोना भी खाली नहीं था। वहां दीवार पर मुख्तलिफ रैकेट्स लटके हुए थे, उनमें से एक टेनिस का था और दो स्क्वाश के। इन रैकेट्स को दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर्स लगाए गए थे और फिर रैकेट्स इस तरह लटकाए गए थे कि यूं लगता था कि वो रैकेट्स उन खिलाड़ियों ने पकड़े हों। टेनिस के रैकेट के नीचे गैब्रियला सबार्टनी का पोस्टर था, जबकि स्क्वाश के एक रैकेट के नीचे जहांगीर खान का पोस्टर था, जबकि दूसरे रैकेट के नीचे रॉडनी मार्टिन का। कमरे में वाहिद जगह जहां बेतरतीबी थी वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सिल्क की बेडशीट बुरी तरह सलवट ज़दा थी और उस पर इधर उधर चंद पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे जिनमें प्ले बॉय नुमाया था। बेड पर एक पेपर कटर और कागज की कुछ छोटी छोटी कतरने भी पड़ी हुई थी। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन से तस्वीरें काट रहा था। च्युइंगम्स के कुछ रैपर्स भी तुड़े मुड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डनहिल का एक पैकेट और लाइटर भी एश्ट्रे के साथ बेड पर ही पड़ा हुआ था, जबकि सिल्क के सफेद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहां पर सिगरेट की राख भी थी। कॉफी का एक खाली मग भी बेड पर पड़ा हुआ था और उसके पास एक टाई और रिस्ट वॉच भी थी। इन सब चीजों से कुछ फासले पर सिरहाने एक मोबाइल पड़ा था जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल के बीप पर उसने सर उठाए बगैर अपना दाया हाथ बेड पर इधर उधर फेरते हुए जैसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। उस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह इधर उधर हाथ फेरने के बाद उसका हाथ साकेत हो गया। शायद अब वो वाकई सो चुका था क्योंकि उसके थरकते पैर रुक चले थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकलते हुए उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट यकदम उसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी, "When a man loves a woman." फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की यह आवाज बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल खत्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए। वो बेड पर औंधे मुंह बेहिस हरकत पड़ा था। डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? जैनब को जवेरिया के इंकशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मलामती नजरों से जवेरिया को देखा जो पहले ही माजत खाहाना अंदाज में उसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? जैनब ने इस बार उसे कुछ झड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज वाकया तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रिएक्ट करो, इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हद्दुल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें तो बताना चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या जरूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाकया नहीं था कि तुम्हें बताती। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं, इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा, बताना तो चाहिए था तुम्हें। जैनब का एतराज अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए जैनब को देखा। अब करूंगी तो किसी और को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें जरूर बताऊंगी। वेरी फनी, जैनब ने उसे घूरते हुए कहा।
और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन, नाम क्या है, क्या करता है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजन है, अज़द नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है उसने और बिजनेस करता है। शक्लो सूरत कैसी है, इस बार जैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर जैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है, जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाजा कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फर्स्ट कजन है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम यह है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ, जैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का जरूरी काम यह है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो, राबिया ने मदाखलत करते हुए कहा। फिलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकदम उठकर खड़ी हो गई, तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए जैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की, जवेरिया ने माजत खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा, उसकी नजरों में तंबी थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी उस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती, जैनब ने बुलंद आवाज में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के उस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्क नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहां बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस ने उसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 IQ लेवल का पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहां सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को उसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस IQ लेवल बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार उस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज्यादा साफ लहजे में बात करता था और उसकी बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान हो जाते। एक दिन जब वो अपने भाई से फोन पर बात करने के लिए फोन कर रहे थे तो सालार उनके पास खड़ा था। वो उस वक्त TV लाउंज में बैठे थे और फोन पर बातें करने के साथ साथ TV भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन रख दिया। रिसीवर रखने के फौरन बाद उन्होंने सालार को फोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान में लगाए किसी से बातों में मसरूफ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ फोन पर बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे TV देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है, वो उसके अगले जुमले पर चौंके। सालार, किससे बात कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उसके हाथ से लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है, उन्होंने माजरत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया, वो तो बहुत छोटा है, उनके भाई ने दूसरी तरफ कुछ हैरानी से पूछा। मेरा ख्याल है उसने आपका नंबर रीडायल कर दिया है, इत्तफाक से हाथ लग गया होगा, हाथ मार रहा था सेट पर। उन्होंने फोन बंद कर दिया और रिसीवर नीचे रख दिया। सालार जो खामोशी के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में मसरूफ था, रिसीवर नीचे रखते ही उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। इस बार सिकंदर उस्मान उसे देने लगे। वो बिल्कुल किसी मैच्योर आदमी की तरह एक बार फिर शाहनवाज का नंबर डायल कर रहा था और बड़ी रवानी के साथ। वो एक लम्हे के लिए दम बखुद रह गए थे। 2 साल के बच्चे से उन्हें ये तवक्को नहीं थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यडल दबा दिया। सालार, तुम्हें शाहनवाज का नंबर मालूम है? उन्होंने हैरानी के उस झटके से संभलते हुए कहा। हाँ, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। क्या नंबर है? उसने भी रवानी के साथ वो नंबर दोहरा दिया। वो उसका चेहरा देखने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो गिनती के आदाद शुमार से वाकिफ होगा। और फिर वो नंबर, तुम्हें ये नंबर किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा है। कैसे? अभी आपने मिलाया था, सालार ने उनको देखते हुए कहा। तुम्हें गिनती आती है? हाँ। कहाँ तक? 100 तक, वो मशीन की तरह शुरू हो गया। एक ही सांस में उसने 100 तक गिनती सुना दी। सिकंदर उस्मान के पेट में बल पड़ने लगे। अच्छा,
मैं एक और नंबर डायल करता हूँ, मेरे बाद तुम उसे डायल करना। उन्होंने रिसीवर उससे लेते हुए कहा। अच्छा, सालार को यह सब एक दिलचस्प खेल की तरह लगा। सिकंदर उस्मान ने एक नंबर मिलाया और फिर फोन बंद कर दिया। सालार ने फोन रिसीवर उनसे पकड़कर उन्हीं की रवानी के साथ वो नंबर मिलाया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। वो वाकई वही नंबर था जो उन्होंने मिलाया था। उन्होंने यके बाद दीगरे कई नंबर मिलाए, फिर सालार से वही नंबर मिलाने के लिए कहा। वो कोई गलती किए बगैर नंबर मिलाता रहा। वो यकीनन फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। मैंने इसे गिनती नहीं सिखाई, मैंने तो बस कुछ दिन पहले से चंद किताबें ला कर दी थी और कुल एक बार ऐसे ही उसके सामने 100 तक गिनती पड़ी थी। उन्होंने सिकंदर उस्मान के इस्तफसार पर कहा। सिकंदर उस्मान ने सालार को एक बार फिर गिनती सुनाने के लिए कहा। वो सुनाता गया। उनकी बीवी हक्का बक्का उसे देखती रही। दोनों मियां बीवी को यह अंदाजा हो गया था कि उनका बच्चा जहनी एतबार से गैर मामूली सलाहियत रखता है, और यही वजह थी कि उन दोनों ने अपने बाकी बच्चों के निस्बत उसे जल्दी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। और स्कूल में भी वो अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से बहुत जल्दी दूसरों की नजरों में आ गया था। उस बच्चे को आपकी खास तवज्जो की जरूरत है। आम बच्चों की निस्बत ऐसे बच्चे ज्यादा हसास होते हैं। अगर आप उसकी अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये बच्चा आपके और आपके खानदान के लिए एक सरमाया होगा, न सिर्फ खानदान के लिए बल्कि आपके मुल्क के लिए भी। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी इस गैर मुल्की साइकोलॉजिस्ट की बातें बड़े फखरी अंदाज में सुनते रहे। अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो सालार को ज्यादा अहमियत देने लगे थे। वो इन सबसे चहेती औलाद था और उन्हें इसकी कामयाबियों पर फख्र था। स्कूल में एक टर्म के बाद उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया, दूसरी टर्म के बाद उससे अगली क्लास में, और उस वक्त पहली बार सिकंदर उस्मान को कुछ तश्वीश होने लगी। वो नहीं चाहते थे कि सालार 8-10 साल की उम्र में जूनियर या सीनियर कैम्ब्रिज कर लेता, मगर जिस रफ्तार से वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा था यही होना था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अब पूरे एक साल के बाद ही अगली क्लास से प्रमोशन दें। मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी इतने एबनॉर्मल तरीके से अपना एकेडमिक कैरियर खत्म कर ले। आप उसके सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज बढ़ा दें, मगर उसे नॉर्मल तरीके से ही प्रमोट करें। उनके इसरार पर सालार को दोबारा एक साल के अंदर डबल या ट्रिपल प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके टैलेंट को स्पोर्ट्स और दूसरी चीजों के जरिए चैंजलाइज किया जाने लगा। शतरंज, टेनिस, गोल्फ और म्यूजिक, वो चार शोबे थे जिनमें उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। मगर उसका यह मतलब नहीं था कि वो खुद को सिर्फ इन चार चीजों तक ही महदूद रखता था। वो स्कूल में होने वाले तकरीबन हर गेम में शरीक होता था। अगर किसी में शरीक नहीं होता था तो उसकी वजह सिर्फ ये होती थी कि वो गेम या सपोर्ट उसे ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगता था। जवेरिया, प्रोफेसर इम्तनान के लेक्चर के नोट्स दो मुझे, इमामा ने जवेरिया को मुखातिब किया जो एक किताब खोले बैठी हुई थी। जवेरिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी एक नोटबुक उसे थमा दी। इमामा नोटबुक खोलकर सफ़े पलटने लगी। जवेरिया एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद अचानक उसे जैसे ख्याल आया था, उसने मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी इमामा को देखा। तुमने लेक्चर नोट करना क्यों बंद कर दिया है, उसने इमामा को मुखातिब किया। इमामा ने नोटबुक से नजरें हटाकर उसे देखा। मुझे कुछ समझ में आए तो मैं नोट करूं। क्या मतलब, तुम्हें प्रोफेसर इम्तनान का लेक्चर भी समझ नहीं आता? जवेरिया को जैसे हैरत हुई। इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं। मैंने कब कहा कि बुरा पढ़ाते हैं, बस मुझे, उसने कुछ उलझे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। वो एक बार फिर हाथ में पकड़ी नोटबुक को देख रही थी। जवेरिया ने गौर से उसे देखा। तुम आजकल कुछ गायब दिमाग नहीं होती जा रही, डिस्टर्ब हो किसी वजह से? जवेरिया ने अपने सामने रखी किताब बंद करते हुए बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। डिस्टर्ब, वो बड़बड़ाई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी आंखों के गिर्द हल्के भी पड़े हुए हैं। कल रात को शायद 3:30 का वक्त था जब मेरी आंख खुली और तुम उस वक्त भी जाग रही थी। मैं पढ़ रही थी, उसने मदाफियाना लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ किताब अपने सामने रखे बैठी हुई थी, मगर किताब पर नजर नहीं थी तुम्हारी, जवेरिया ने उसका उजर रद्द करते हुए कहा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला हो सकता है मुझे, फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? जवेरिया उसकी टाल मटोल से मुतासिर हुए बगैर बोली। नहीं, मैं क्यों चुप रहूंगी, इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तो पहले ही की तरह बोलती हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बाकी सब भी तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं, जवेरिया संजीदगी से बोली। कोई बात नहीं है, सिर्फ स्टडीज की टेंशन है मुझे। मैं यकीन नहीं कर सकती, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हमसे ज्यादा टेंशन तो नहीं हो सकती, जवेरिया ने सर हिलाते हुए कहा। इमामा ने गहरा सांस लिया। अब वो जिच हो रही थी। तुम्हारे घर में तो खैरियत है ना? हाँ बिल्कुल खैरियत है। असजद के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? असजद के साथ झगड़ा क्यों होगा, इमामा ने उसी अंदाज से पूछा। फिर भी इख्तिलाफ तो एक बहुत ही, जवेरिया की बात उसने दरमियान में ही काट दी। जब कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने सालों से कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की?
یا جو تمہیں پتا نہیں ہے، پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کر رہی ہو۔ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ جویریا گڑبڑا گئی، یقین کیوں نہیں کرو گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریا کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جماہی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں، وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ رسلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف پڑ رہا تھا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا، مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی شخص کے لیے بھی ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کی قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گراہیں لگانی شروع کر دی، اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوائل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی، اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے وہ پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی مڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں دایاں ہاتھ گزارا، اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں بائیں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا پانی سر سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر موجود تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا، اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی، اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ بری طرح پھڑپڑا رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا، اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا کسی پینڈولم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قطرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے کون پوچھ رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لہجے کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریا بھی اندر آ گئی، اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی،
नहीं मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो मजबूरन उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चली गई। रास्ते से उन्होंने जैनब को उसके घर से पिक किया और जैनब को पिक करते हुए जवेरिया को याद आया कि उसके बैग के अंदर उसका वॉलेट नहीं है, वो उसे हॉस्टल में ही छोड़ आई थी। हॉस्टल वापस चलते हैं, वहां से वॉलेट लेकर फिर बाजार चलेंगे। जवेरिया के कहने पर वो लोग दोबारा हॉस्टल चली आई, मगर वहां आकर हैरानी का सामना करना पड़ा क्योंकि कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। ये इमामा कहाँ है, राबिया ने हैरानी से कहा। पता नहीं, कमरा लॉक करके इस तरह कहाँ जा सकती है, वो तो कह रही थी कि उसे सोना है, जवेरिया ने कहा। हॉस्टल में तो किसी के रूम में नहीं चली गई, राबिया ने ख्याल जाहिर किया। वो दोनों अगले कई मिनट तक उन वाकिफ लड़कियों के कमरे में जाती रहीं जिनसे उनकी हेलो हाई थी, मगर इमामा का कहीं पता नहीं था। कहीं हॉस्टल से बाहर तो नहीं गई, राबिया को अचानक ख्याल आया। आओ वार्डन से पूछ लेते हैं, जवेरिया ने कहा। वो दोनों वार्डन के पास चली आई। हाँ, इमामा अभी कुछ देर पहले ही बाहर गई है, वार्डन ने उनकी इंक्वायरी पर बताया। जवेरिया और राबिया एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो कह रही थी शाम को आएगी, वार्डन ने उन्हें मजीद बताया। वो दोनों वार्डन के कमरे से निकल आई। ये गई कहाँ है, हमारे साथ तो जाने से इनकार कर दिया था कि उसे सोना है, वो थकी हुई है और उसकी तबीयत खराब है, और अब इस तरह गायब हो गई, राबिया ने उलझे हुए अंदाज में कहा। रात को वो कदरे लेट वापस आई और जिस वक्त वो वापस आई, इमामा कमरे में मौजूद थी। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों का इस्तकबाल किया। लगता है खासी शॉपिंग हुई है आज, उसने उन दोनों के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को देखते हुए कहा। उन दोनों ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस शॉपर्स रखकर उसे देखने लगी। तुम कहाँ गई हुई थी, जवेरिया ने उससे पूछा। इमामा को जैसे एक झटका लगा। मैं अपना वॉलेट वापस लेने आई थी तो तुम यहाँ नहीं थी, कमरा लॉक था, जवेरिया ने उसी अंदाज में कहा। मैं तुम लोगों के पीछे गई थी। क्या मतलब, जवेरिया ने कुछ न समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारे निकलने के बाद मेरा इरादा बदल गया था, मैं यहाँ से जैनब की तरफ गई क्योंकि तुम लोगों को उसे पिक करना था, मगर उसके चौकीदार ने बताया कि तुम पहले ही वहां से निकल गए हो। फिर मैं वहां से वापस आ गई, बस रास्ते में कुछ किताबें ली थी मैंने, इमामा ने कहा। देखा, तुमसे पहले कहा था कि हमारे साथ चलो, मगर उस वक्त तुमने फौरन इनकार कर दिया, बाद में बेवकूफों की तरह पीछे चल पड़ी। हम लोग तो मशकूक हो गए थे तुम्हारे बारे में, राबिया ने कुछ इत्मीनान से एक शॉपर खोलते हुए कहा। इमामा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखती रही। वो दोनों अब अपने शॉपर्स खोलते हुए खरीदी हुई चीजें उसे दिखा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है, पता नहीं, माँ बाप ने क्या रखा था, माँ बाप से पूछे, खामोशी, लोग किस नाम से पुकारते हैं तुम्हें, लड़के या लड़कियां, लड़के, बहुत सारे नाम लेते हैं, ज्यादा कौन सा नाम पुकारते हैं, डेयर डेविल, खामोश, और लड़कियां, वो भी बहुत से नाम लेती हैं, ज्यादातर किस नाम से पुकारती हैं, ये मैं नहीं बता सकता, इट्स टू पर्सनल, ये बिल्कुल ज़ाती है, गहरी खामोशी, तवील सांस, फिर खामोशी। मैं आपको एक मशवरा दूं, क्या आप मेरे बारे में वो जानने की कोशिश क्यों नहीं करते जो ना आप पहले जानते हैं ना मैं। आपके दाएं तरफ टेबल पर जो सफ़ेद फाइल पड़ी है उसे मेरे सारे पर्टिकुलर्स मौजूद हैं, फिर आप वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं। साइको एनालिस्ट ने अपने पास मौजूद टेबल लैंप की रोशनी में सामने काउच पर दराज उस नौजवान को देखा जो अपने पैर मुसलसल हिला रहा था। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था और यूं लग रहा था जैसे वो साइको एनालिस्ट के साथ होने वाली इस सारी गुफ्तगू को बेकार समझ रहा था। कमरे में मौजूद ठंडक, खामोशी और नीम तारीकी ने उसके आसाब को बिल्कुल मुतासर नहीं किया था। वो बात करते हुए वक्तन फवक्तन कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। साइको एनालिस्ट के सामने लेटा हुआ नौजवान एक अजीब केस था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी का मालिक था, उसका आईक्यू लेवल 150 की रेंज में था, वो थ्रू आउट आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अवार्ड रखता था, वो गोल्फ में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल 3 बार जीत चुका था और वो तीसरी बार खुदकुशी की नाकाम कोशिश करने के बाद उसके पास आया था। उसके वालिदैन ही उसे उसके पास लेकर आए थे और वो बेहद परेशान थे। वो मुल्क के बहुत अच्छे खानदानों में से एक से ताल्लुक रखता था, ऐसा खानदान जिसके पास पैसे की भरमार थी। चारों भाइयों और एक बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। दो भाई एक बहन उससे बड़े थे। अपनी जहानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा चहीता था। उसके बावजूद पिछले 3 साल में उसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। पहली दफा उसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। उसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बावजूद वो हवा में उछलकर दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर जमीन पर गिरा। उसकी कुछ पसलियां, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर हुए। तब उसके वालिदैन कांस्टेबल के इसरार के बावजूद उसे एक हादसा ही समझे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था।
دوسری بار پورے ایک سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی. ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا. پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا. اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا. سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا. جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی ہی باندھ کر گرایا گیا تھا. پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی. سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا. مگر تیسری بار وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا. خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا. گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میدا واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا. اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی. اس نے خان ساما کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا. سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے تھے. پچھلے دنوں کے واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے. وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا. پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا. اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں. وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا. بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا. سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجوانا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی. لیکن ان کے سارے پلانس جیسے بھگ کر کے اڑ گئے تھے. اور اب وہ اس سائیکو اینالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے دوست کے مشورے پر بھیجوایا تھا. ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے. آپ سے کس نے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم. کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. 3 دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کہہ رہے ہیں میں اسے خودکشی کی کوشش سمجھتا ہوں. میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے. وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی تجسس سمجھ لیں. سائیکو اینالسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا. تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا اس لیے میں ٹھیک سے کچھ محسوس نہیں کر سکا. دوسری بار بھی ایسا ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہوا، وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا. اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے جوئے کی انتہا ایکٹسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے. اس طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس ایکٹسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے. میں نہیں سمجھا. فرض کریں آپ ایک بار اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں. آپ ایکٹسی میں ہیں، یعنی سرور میں ہیں. آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں. لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح مدہوش نہیں ہوتا. آئی نیور گیٹ وائلڈ ود جوائے. مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں سے ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے. میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا. تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا. سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا. مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں اپنی تعریفیں سنتے سنتے. اس کے لہجے میں تلخی تھی. سائیکو اینالسٹ کچھ دیر اسے گھورتا رہا. اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے. کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے. مکمل اطمینان تھا. کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ یٹ آل. تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس. کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟
वो उकताया। बात घूम फिर कर वहीं आ गई थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिसे तुम शादी करना चाहते हो। उसने बेख्तियार कहका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैंने खुदकुशी? वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई स्टेंस उसके साथ किए और हर बार नतीजा ढाक के वही तीन पात रहा। आप इसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यहीं रखें और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए सब करता हो। उसने कई माह बाद सालार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे बाहर भिजवाने के बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो उसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सालार ने उनके इस फैसले पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उनके उस फैसले पर कभी खुशी का इजहार नहीं किया था कि इसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइको एनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान उसे घर ले आए। उन्होंने तैयबा के साथ मिलकर उससे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बिठाकर उसे उन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों से उसे फराहम कर रहे थे। उन्होंने उसे उन तवक्कात के बारे में भी बताया जो वो उससे रखते थे। उसे उन मोहब्बत भरे जज्बात से भी आगाह किया जो वो उसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर उससे कहा, तुम्हें किस चीज की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए, मुझे बताओ। सालार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार, अगले ही लम्हे उसने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है, ओके? सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। सालार ने सर हिला दिया। तैयबा ने टिश्यू से अपने आंसू साफ करते हुए जैसे सुकून का सांस लिया। वो कमरे से चला गया तो सिकंदर उस्मान ने सिगार सुलगाते हुए उनसे कहा, तैयबा, तुम्हें इस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज कुछ कम करो और कोशिश करो कि इसके साथ रोजाना कुछ वक्त गुजार सको। तैयबा ने सर हिला दिया। वसीम ने इमामा को दूर ही से लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश्त की जानिब से उसके अकब में गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बर्क रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबा दिया था। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठोंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सिरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या सुन रही थी, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है, कैसेट कौन करो? इमामा ने कुछ झुंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी, दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों, वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा खत्म करो, वापस कर रहा हूं मैं, तुम सुनो जो भी सुन रही हो। उसने बड़े सुलहा जोयाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं अब मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम हेडफोन अपने पास रखो। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी, क्या सुना जा सकता है, इमामा ने उसी अंदाज में कहा। गजलें सुन रही होगी, वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली हैं, मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरों की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही हो, वसीम ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा। इमामा ने इसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुदगर्ज हूँ, इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम जितने बेवकूफ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा खस कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, वसीम ने डिटाई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फर्ज होती है, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही, वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोजा तोड़ दिया तुमने जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो।
امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا. کون سا چپ شاہ کا روزہ, تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو. مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے. سب پر ہوتا ہے امامہ, مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا, وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. چھوڑ اس فضول بحث کو, یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش, وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا. تو یہ تم پورا سال ہی کرتے ہو؟ آج کل کی خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں. آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں. سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم, وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا. میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے گی, مگر نہیں, میں نے بیکار سوال کیا. امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں تم سے ایک سال بڑا ہوں, تم نہیں, اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کرو, وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا. یہ ساتھ والے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا. چونچو سے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں, وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. بڑا عجیب سا بندہ ہے, موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو ساتویں آسمان پر بٹھا دے گا, موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا. تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں, امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا. کند ہم جنس باہم جنس پرواز. نہیں, خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں. وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا. ہاں جانا تو تھا, مگر پتہ نہیں, میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے. حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا, مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ پیسوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا. تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر آ رہی تھی تو دیکھا تھا, وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا, کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ. لڑکی؟ جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے. جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے؟ وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا. ہاں, مشروم کٹ بالوں والی, فیئر سی. عرصہ, وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا. اس کی گرل فرینڈ ہے, پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے. امامہ نے اس کو گھورا. پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا. 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی. ہاں, تب شیبا تھی, اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشوں پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا. امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی. تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا. میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا, اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ. یاد تو ہونا ہی تھا. امامہ پھر ہنسی. میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا. وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں. امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا. میں خرید رہا ہوں اس ماہ, بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا. اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا, سب سے پہلا فون انہیں کا آئے گا. بس اسی لیے ہر بار رک جاتا ہوں, وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا. یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے, بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے. اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں, سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے موبائل فون کا تو. وسیم نے اس کی بات کاٹ دی. تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے نہیں ڈرتا. میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے نہیں ہو, مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا, جس کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے. امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا. اب کیا کیا جا سکتا ہے, بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ, وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا. مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے, کیونکہ یہ میرے کام نہیں آ سکے گا. کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے, وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا. دیر سے ہی صحیح, مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی. امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا. ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا. ویسے ہی, کچھ خاص نہیں تھا. امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے اسے ٹالا. آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں, یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے, درزی سے لے کر آئی ہوں, آپ اسے دے آئیں. سلمہ نے ہاشم سے کہا. بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں, کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل. ہاشم کو قدر تامل ہوا. آپ ڈرائیور کو ساتھ لے جا رہے ہیں, خود نہیں جا سکتے تو اسے بھجوا دیجیے گا, وہ دے آئے گا یہ پیکٹ. سیزن ختم ہو رہا ہے, پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے, اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے. سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی. اچھا ٹھیک ہے, میں لے جاتا ہوں, فرصت ملی تو خود دے آؤں گا, ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا. ہاشم رضامند ہو گئے. لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا. شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی, اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا. ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کو کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے. اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے. گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھیجوایا اور خود انتظار کرنے لگے. ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی, مگر ایسا نہ ہوا.
دس منٹ، پندرہ منٹ، بیس منٹ، وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست۔ اس کا تعلق بھی اسلام آباد ہی سے تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا۔ لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے، مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل، امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ، رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہوں، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز سے پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس بلوا لیتی۔ جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے۔ مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتا تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں امامہ کو کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح رابعہ کو اچانک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں، ہم تو کسی سے سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فور گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے مسئلے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں، پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکی، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں، اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے، وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے۔ انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے، ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی، وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گئی کہاں اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کس طرح پچھلے ایک سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی، اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی الجھی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم گوئی، اور وہ جو ایک بار ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی،
जवेरिया को अब भी उस पर कोई शक नहीं हो रहा था। ऐसा होने में कोई देर थोड़ी लगती है, बस इंसान का किरदार कमजोर होना चाहिए। राबिया बदगुमानी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। राबिया उसकी मर्जी से उसकी मंगनी हुई थी। वो और अजद एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है? जवेरिया ने उसका दिफा करने की कोशिश की। फिर तुम बताओ कि वो कहाँ है? मैंने तो मक्खी बनाकर उसे किसी दीवार के साथ नहीं चिपकाया है। उसके बाबा उससे मिलने यहाँ आए हैं और वो अपने घर से आए हैं, तो जाहिर है वो घर पर नहीं गई और हमसे वो यही कहकर गई है कि वो घर जा रही है। राबिया ने बेचारगी से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई हादसा पेश आ गया हो। हो सकता है वो इसीलिए घर ना पहुंच सकी हो। वो हर बार यहाँ से फोन करके इस्लामाबाद अपने घर वालों को अपने आने की इत्तला देती थी, ताकि उसका भाई उसे कोस्टर के स्टैंड से पिक कर ले। अगर इस बार भी उसने इत्तला दी थी तो फिर उसके वहां ना पहुंचने पर वो लोग इत्मीनान से वहां ना बैठे होते, वो यहाँ हॉस्टल में फोन करते। और उसके वालिद के अंदाज से तो ऐसा महसूस हुआ है जैसे उसका इस वीकेंड पर इस्लामाबाद का कोई प्रोग्राम नहीं था। राबिया ने उसके कयास को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा, हाँ वो कभी भी एक माह में दो बार इस्लामाबाद नहीं जाती थी, मगर इस बार तो वो दूसरे ही हफ्ते इस्लामाबाद जा रही थी और उसने वार्डन से खास तौर पर यह कहकर इजाजत ली थी। कोई ना कोई बात जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जरूर गलत है। जवेरिया को फिर खदशात सताने लगे, उसके साथ साथ हम भी बुरी तरह डूबेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने सब कुछ इस तरह कवर अप किया। हमें साफ साफ बात करनी चाहिए थी उसके वालिद से कि वो यहाँ नहीं है, फिर वो जो चाहे करते, ये उनका मसला होता। कम अज कम हम तो इस तरह ना फंसते जिस तरह अब फंस गए हैं। राबिया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। खैर अब क्या हो सकता है, सुबह तक इंतजार करते हैं। अगर वो कल भी नहीं आई तो फिर वार्डन को सब कुछ बता देंगे, जवेरिया ने कमरे के चक्कर लगाते हुए कहा। वो रात इन दोनों ने उसी तरह बातें करते जागते हुए गुजार ली। अगले दिन वो दोनों कॉलेज नहीं गईं। इस हालत में कॉलेज जाने का कोई फायदा भी नहीं होता। इमामा वीकेंड पर हफ्ते को वापसी पर 9 बजे के करीब आ जाया करती थी, मगर वो उस दिन नहीं आई। उनके आसाब जवाब देने लगे। 2:30 बजे के करीब वो फक रंगत और कांपते हाथों के साथ अपने कमरे से वार्डन के कमरे में जाने के लिए निकल आई। उनके जहन में वो जुमले गर्दिश कर रहे थे जो उन्हें वार्डन से कहने थे। वो वार्डन के कमरे से अभी कुछ दूर ही थी जब उन्होंने इमामा को बड़े इत्मीनान के साथ अंदर आते देखा। उसका बैग उसके कांधों पर था और फोल्डर हाथों में। वो यकीनन सीधे कॉलेज से आ रही थी। जवेरिया और राबिया को यूं लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से निकलती हुई जमीन एकदम थम गई थी। उनकी रुकी सांस एक बार फिर चलने लगी थी। कल के अखबारात में मुतवक्के वो हेडलाइन जो भूत बनकर उनके गिर्द नाच रही थी एकदम गायब हो गई और उनकी जगह उस गुस्से और इश्तियाल ने ले ली थी जो उन्हें इमामा की शक्ल देखकर आ रहा था। वो उन्हें देख चुकी थी और अब उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। तुम दोनों आज कॉलेज क्यों नहीं आए? सलाम दुआ के बाद उसने उनसे पूछा। तुम्हारी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा तो हम कहीं आने जाने का सोच सकेंगे, राबिया ने तुंद तेज लहजे में उससे कहा। इमामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ राबिया, इस तरह गुस्से में क्यों हो? इमामा ने कदर तशवीश से पूछा। तुम जरा अंदर कमरे में आओ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। राबिया ने उसे बाजू से पकड़ लिया और तकरीबन खींचते हुए कमरे में ले आई। जवेरिया कुछ कहे बगैर उन दोनों के पीछे आ गई। इमामा हक्का बक्का थी, राबिया और जवेरिया के रवैये को समझ नहीं पा रही थी। कमरे में दाखिल होते ही राबिया ने दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ से आ रही हो तुम? राबिया ने मुड़कर इंतहाई तल्ख और दश्त लहजे में उससे पूछा। इस्लामाबाद से, और कहाँ से? इमामा ने अपना बैग नीचे जमीन पर रख दिया। उसके जवाब ने राबिया को कुछ और मुश्तइल किया। शर्म करो इमामा, इस तरह हमें धोखा देकर, हमारी आंखों में धूल झोंक कर, आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हम डफर हैं, इडियट हैं, पागल हैं? भाई हम हैं, हम मानते हैं, ना होते तो यूं तुम पर अंधा एतबार ना किया होता, तुमसे इतना बड़ा धोखा ना खाया होता, राबिया ने कहा। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। कैसा धोखा? क्या ये बेहतर नहीं कि तुम आराम से मुझे अपनी बात समझाओ? इमामा ने बेचारगी से कहा। तुम वीकेंड कहाँ गुजार कर आई हो? जवेरिया ने पहली बार गुफ्तगू में मदाखलत की। तुम्हें बता चुकी हूँ इस्लामाबाद में, वहां से आज सीधा कॉलेज आई हूँ, और अब कॉलेज से? राबिया ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। बकवास बंद करो, ये झूठ अब नहीं चल सकता, तुम इस्लामाबाद नहीं गई थी, ये तुम कैसे कह सकती हो? इस बार इमामा ने कदरे बुलंद आवाज में कहा। क्योंकि तुम्हारे फादर यहाँ आए थे कल। इमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हो, राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। उन्हें यह पता चल गया कि मैं हॉस्टल में नहीं हूं? मैंने झूठ बोल दिया कि तुम
ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو، وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا، یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے سٹریپس کھولتے ہوئے کہا، نہیں انہیں کچھ نہیں پتہ چلا، تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں وارڈن سے اب اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں، تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح دو دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹریپس کھولنے لگی۔ مجھے بارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو، مگر اس ڈھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ذرہ برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو۔ رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی اس بار؟ جویریہ نے پوچھا۔ اپنے ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے؟ ایک۔ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے۔ امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا، کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں، تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ، اور اس بار واپس ہی نہ آؤ۔ رابعہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی، اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی۔ اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ بابا اس طرح اچانک یہاں آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ تم لوگوں کو کس نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی۔ امامہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی۔ جویریہ نے کہا، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ امامہ نے کہا، کم از کم میں تمہارے کسی وعدے کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا، تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر، ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ امامہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب تھیں، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں سبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے؟ امامہ نے کہا، وہ فورتھ ایئر کی سبیحہ۔ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری۔ امامہ نے کہا، کیسی دوستی؟ چار دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اسے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رابعہ نے اسی لہجے میں کہا، تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں۔ امامہ نے کہا، چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا، کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی، کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو۔ جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔